आप कोयल कविता दीदी रेफरेंस और इस्तेमाल का इस्तेमाल करते हैं और यकीनन वक्त हमारे पास नहीं है। मैं भी जियाउद्दीन साहब के हवाले से बहुत सी बातें करना चाह रहा था, लेकिन ये तो यहाँ पे बार बार एक बात हो रही है यूनिफिकेशन की। जियाउद्दीन साहब ने अपनी जिंदगी में कुछ बातें आप लोगों के साथ अपने दोस्तों से शेयर की होगी, तो पता नहीं अब वो मंजरे आम पर आती है या नहीं आती है, लेकिन जो बात फारूक फैसले की है ना वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। यकीनन ये मामला बड़ा अहम है और ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन जो है वो दानिश्ता तौर पर एक साजिश के तहत की गई है। मैं इतनी बात क्या के अपनी गुजारिश को खत्म करूंगा कि ये मत समझे कि जो लोग कोई किसी पे डाल देता है, कोई किसी पे डाल, अब बहुत थोड़ा वक्त रह गया, बहुत जल्द कुछ ऐसे हकायक सामने आ जाएंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग बड़े अपने आप को समझ रहे ना या साबित कर रहे हैं बड़े मुफलिस हैं, ये सारे बेनकाब हो जाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि उनको बेनकाब ना किया जाए तो जियाउद्दीन की जो आखिरी ख्वाहिश है उसको खामोशी से बरामद कर दें। और कोई भी ग्रुप हो, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी की इज्जत नहीं बचेगी। बस इतनी बात कर रहा हूँ और ये कोई ऐसा ना समझे कि वैसे भी बात कर दी है, कुछ होने वाला तो आपको बता रहा हूँ। फिर मैं कह रहा था बहुत बहुत शुक्रिया।